नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालिया। कोरोना महामारी से अभी हमने पूरी तरह से मुक्ति भी नहीं पाई कि एक के बाद एक नई बीमारी जो है हमारे सामने आकर खड़ी हो रही है। अब तक आपने ये देखा कि कोरोना जिसे हुआ है उसे ब्लैक फंगस जो है वो प्रभावित कर रहा है, और ब्लैक फंगस के बाद आपने व्हाइट फंगस के बारे में भी सुना होगा, लेकिन अब व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। शुरुआत में आपको सुनने में थोड़ा सा मजाकिया तौर पर ये जरूर लगेगा, क्योंकि ये रंगों के साथ जो फेर बदल है या फिर रंगों के साथ जो बीमारियों के नाम बदल रहे हैं, ये थोड़ा ना थोड़ा हर किसी को हैरान जरूर कर रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन आपको इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब महामारी का ये दौर चल रहा है, और कोरोना महामारी से हमने पूरी तरह से मुक्ति भी नहीं पाई है कि ये नई बीमारियां जो है वो सामने आ गई हैं। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस ने दस्तक दी है। गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है, जहां पर मरीज मिला है येलो फंगस से संक्रमित। अब आप ये समझिए कि कितनी भयावह तस्वीर हो सकती है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को ही समझने की कोशिश कर रहे थे और उस पर सोच विचार किया जा रहा था कि अचानक से गाजियाबाद में एक मरीज जो है संक्रमित पाया जाता है येलो फंगस से। अब आप सोचेंगे कि येलो फंगस का क्या रिलेशन है ब्लैक और व्हाइट फंगस से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लक्षण आपको जानने की जरूरत है कि क्या कुछ इसके लक्षण हैं। दरअसल आपको अगर भूख कम लग रही है या फिर भूख जो है पूरी तरह से मर चुकी है, कमजोरी अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो आप से संक्रमित हो सकते हैं। और ये अंदरूनी बीमारी मानी जा रही है, यानी कि ये शरीर से आपकी उत्पन्न होती है बीमारी। जिस तरह से अगर हम बात कर लें कि अगर आपकी बॉडी में कहीं घाव है तो वहां पर पस का बहाव शुरू हो जाता है, या फिर घाव का ठीक होना इसमें काफी देरी लगती है, बहुत धीमी गति से घाव ठीक होता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं, तो हम इस येलो फंगस से बच सकते हैं। इसीलिए आप भी ये समझिए इस बात को कि जो तीसरा रंग बीमारी का जो तीसरा रंग सामने आया है, यानी कि ब्लैक, व्हाइट और अब येलो जो बीमारी सामने आई है येलो फंगस, ये आपको स्वच्छता अगर आपके आसपास है तो प्रभावित आप नहीं कर सकती ये बीमारी। आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, हाइजीन, अनहाइजीनिक जो चीजें अगर हैं तो फिर ये प्रभावित बीमारी जो है आपको कर सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपने आसपास स्वच्छता रखने की, आप साफ सुथरे रहिए ताकि आप बीमारी से ग्रसित ना हो सके, क्योंकि हर रोज नई बीमारियां इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे में ये लोगों के लिए भी चिंता का विषय हो जाता है और डॉक्टर्स के लिए भी, वैज्ञानिकों के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि आखिर अब तक हम कोरोना से लड़ रहे थे, अब तक कोरोना से जो पेशेंट है वो प्रभावित हो रहे थे, लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस का आना, व्हाइट फंगस का आना, येलो फंगस का आना वाकई हैरान करता है और लोगों को चिंता में डाल रहा है। तो यहां से आप चिंता में ना पड़े, इसके लिए हमें जरूरत है कि इसके फैलाव से पहले ही इसके रोकने का रास्ता सुझाया जाए और इसके रोकने के रास्ते पर हम चले। तो इसीलिए सबसे पहले आप समझिए, येलो फंगस भी हम सबके बीच में आ चुका है, क्योंकि एक मरीज अगर मिलता है तो आप ये सोचिए एक मरीज के मिलने से किस तरीके से बीमारी का फैलाव जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि कोरोना भी हमने यही सोचा था जब चाइना से कोरोना की शुरुआत हुई थी, और तब हर किसी ने ये सोचा था कि ये कोरोना हम तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन देखिए विदेश से देश में आने में कोरोना को देरी नहीं लगी, और देश से राज्यों में पहुंचने में देरी नहीं लगी, और राज्यों से जिलों में पहुंचने में देरी नहीं लगी, और उसके बाद तो घर घर में जाकर कोरोना ने अपने पैर पसार लिए। यही कारण रहा कि 2020 में हमने कोरोना के चलते लॉकडाउन की मार झेली, कई लोग इससे प्रभावित हुए, शारीरिक रूप से लोग कमजोर हुए, तो आर्थिक तौर पर भी लोगों ने कमजोरी सही। लेकिन 2021 ऐसा होगा किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि 2021 में एक के बाद एक नई बीमारी इंट्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए बेहद जरूरी है इन बीमारियों से अपना और अपनों का बचाव करना। तो इसीलिए
इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी समझ पाए कि आखिर जो नई बीमारी सामने आ रही है उसके लक्षण और उससे हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं और आगे किस वीडियो पर आप या फिर किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।